Hello friends, this is Poonam Soni, Assistant Professor, Biyani Girls College. Today, I am going to discuss with you the finite state machine. It is also a topic from theory of computation. Theory of computation se hi ye topic liya gaya hai, finite state machine. To finite state machines ko padhne se pehle ya samajhne se pehle, hame zarurat hai ek aur term samajhne ki, that is automata. Automata hum generally kis purpose se ya kis term ke liye use karte hain, kis description ke liye use karte hain. Automata are the machines which takes the input लेती हैं, उन पर processing करती हैं और उनका output देती हैं. Generally हमने बहुत सारी machines देखी हैं अपने daily life में भी हम लोग देखते हैं, जैसे coin operated turnstiles हैं. Generally अभी जो metros पे हम लोग जैसे enter करते हैं तो हम एक coin उसमें डालते हैं machine में और उसके handles move होते हैं, वो open हो जाती है, then we pass through और फिर वो वापस से lock state में आ जाती है. That is, one state is unlocked and another is locked. The machine changes the states depending upon the input given to it. जो भी आप उसको input दोगे उसके basis पे वो अपना state change करती है. So such kinds of machines can be categorized as automata. ये discrete machines होती हैं. तो इसी का एक जो वर्जन है दैट इज़ फाइनाइट स्टेट मशीन. फाइनाइट स्टेट मशीन्स आर द मशीन्स जो एक स्टेट में हैं, उन पे हमने कोई इनपुट लगाया एंड आफ्टर अप्लाइंग द इनपुट और स्टेट को चेक करने के बाद यू आर श्योर दैट द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द मशीन विल बी दिस. मतलब इसमें कोई डिलेमा नहीं है हमें कि ये इनपुट लगाया तो हमें नेक्स्ट स्टेट ये वाला होगा या कोई और स्टेट होगा. नहीं, वी आर श्योर इन दिस कि अगर हमने एक इनपुट लगाया है किसी मशीन पे और वो अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में है तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट. और ये जो ट्रांजिशन है, ये जो चेंजिंग ऑफ द स्टेट है, चेंज ऑफ द स्टेट है किसी इनपुट के अप्लाई करने पे, दिस इज़ नोन एज ट्रांजिशन. ट्रांजिशंस को, किसी भी मशीन के ट्रांजिशन को डिफाइन करने के लिए हम ट्रांजिशन फंक्शंस भी डिफाइन करते हैं जो दो पैरामीटर्स लेते हैं. वन इज इट्स स्टेट, द करंट स्टेट एंड इनपुट, जिसके बेसिस पे हम आउटपुट देखते हैं. तो दैट इज़ व्हाट ट्रांजिशन ऑफ द मशीन. कॉमन एग्जांपल जैसे हमने बात करी कॉइन ऑपरेटर टर्नस्टाइल. टर्नस्टाइल्स वो मशीन्स होती हैं जैसे हम किसी अनरिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रहे हैं या फिर कहीं हम कोई अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं जहाँ पर टिकट्स हमें कंपल्सरी है लेना. तो उनमें जैसे ही हम कॉइन इंसर्ट करते हैं तो मशीन गेट्स अनलॉक्ड और जैसे ही हम पास हो जाते हैं तो मशीन गेट्स लॉक्ड फॉर द नेक्स्ट कस्टमर. एक और एग्जांपल है वेंडिंग मशीन्स, जो जनरली हम लोग देखते हैं मेट्रोज वगैरह में भी देखते हैं, बड़े मॉल्स में भी देखते हैं, जिनमें हम कॉइन्स इंसर्ट करते हैं और वो कुछ प्रोडक्ट डिस्पेंस करती हैं. तो वो प्रोडक्ट कैसे डिस्पेंस करती हैं, जैसे एटीएम्स हैं अपने, हमने अमाउंट डाला 2000 रुपीज़, वो आपको कलेक्टिवली 2000 रुपीज़ दे रही है बट इन अ डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द नोट्स. वैसे ही जैसे हम वेंडिंग मशीन के अंदर जब हम कॉइन्स दे रहे हैं, सपोज एनीथिंग इज ऑफ 20 रुपीज़, मैंने कलेक्टिवली उसको 5 या 7 कॉइन्स दिए, 1 ऑफ 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, लाइक दिस. तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉइन्स को काउंट करके अनलॉक होना, प्रोडक्ट को डिस्पेंस करना, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटा और वी कैन से फाइनाइट स्टेट मशीन. कि कॉइन ऑपरेटेड टर्नस्टाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है और उसको हम ऑटोमेटा के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. Now this is a general diagram for this coin operated machine. We have two states, एक तो locked होगा और एक unlocked होगा. तो आप देख सकते हैं कि states को हमने represent किया है circles में, vertex के form में हमने इसको represent किया है. ये basically एक transition diagram है, transition graph है. Edges को हमने represent किया है जो हम input दे रहे हैं, input को हमने represent किया है in the form of edges. तो आप देख सकते हैं देयर आर टू पॉसिबल इनपुट्स टू दिस मशीन, वन इज कॉइन एंड अंदर वन इज पुश. टू स्टेट्स आर देयर, लॉक्ड एंड अनलॉक्ड. तो जैसे ही अगर आप लॉक्ड में कॉइन इनपुट देते हैं, लॉक्ड में अगर कॉइन देंगे तो आउटपुट विल बी अनलॉक्ड स्टेट, हम अनलॉक्ड में ट्रांजिट कर जाएंगे. लॉक्ड में अगर आप पुश करते हैं उसको तो यू विल स्टे इन द लॉक्ड स्टेट. जनरली हमने देखा भी है अगर टर्नस्टाइल मशीन और अगर हम उसको पुश कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग द कॉइन तो वो उसी स्टेट में रहेगा, इट विल नॉट चेंज इट स्टेट. तो ये जो लूप है ये दिखा रहा है दैट इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट. सिमिलरली अगर अनलॉक्ड स्टेट में हम कॉइन देते हैं तो नथिंग विल बी डन,
बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अनलॉक्ड, और अगर अनलॉक स्टेट में हम उसको पुश करते हैं तो इट विल बिकम लॉक्ड. सो दिस इज द बेसिक ट्रांजिशन डायग्राम फॉर टर्नस्टाइल. नाउ द वर्किंग ऑफ दिस मशीन कैन बी अंडरस्टूड इक्वलेंटली बाय द ट्रांजिशन टेबल एज वेल. This transition table can be made from this diagram, and if we have this transition table, we can equivalently make the transition diagram. So this is the transition table. As you can see, here we have given the current states. There are two possible states, locked and unlocked. Those states are our first. So we have mentioned both of them here. Now in states, we can give what input? So in each state, in locked state, we can give the input as coin and push. So we have represented the given the inputs here, and in the unlocked state as well, we can give the coin and push. So coin and push we have mentioned here. Now, when in the what will be the next state when the current state and input is this? जब हमारा ये current state है और उसपे हम कोई input लगा रहे हैं, तो machine कौन से next state में transition करेगी? This is given by the next state, and what is the meaning of that? It is given here. So as you can see, in the locked state, अगर locked state में हम coin insert कर रहे हैं, locked state में coin insert कर रहे हैं, तो next state is unlocked. So locked में coin insert किया, तो next state is unlocked. Locked में अगर हम push कर रहे हैं, which is shown by this loop, तो it will remain in the locked state. So it is in the locked state. Again, if in unlocked state we are inserting a coin, then the next state is unlocked. Unlocked में अगर हमने coin insert किया, तो we are in the same state. और unlocked में अगर हम push करते हैं, तो we will move to the locked state. Unlocked में अगर हमने push किया, तो we will move to the locked state जो दिया हुआ है. Unlocks the machine. इसमें अगर हम locked में push किया, तो कुछ भी नहीं हुआ, none. Locked में हमने push किया, तो we are in the same state. Nothing is done. So we have written none here, and here it has already given. So this is how we can create the transition tables and transitions diagrams corresponding to a given machine. Now let's see some technical definition of this automata. Now let's see how we can define an automata. Automata हम किसी भी उस machine को समझ सकते हैं जो एक input ले रही है, उसको process कर रही है और उसका output दे रही है. Either it is transforming the output, it is transmitting as it is, उसको as it is transmit कर रही है, या फिर वो कंज्यूम करके इनपुट को कंज्यूम करके किसी और फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रही है. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं, वी कंसीडर इट एज अ मशीन, सम इनपुट्स आर गिवन टू दिस मशीन, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स, करंट स्टेट्स ऑफ द मशीन, Q1, Q2, Q3 आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स. डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स द आउटपुट विल बी डिसाइडेड. सो देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ऑटोमेटा. वन इज इनपुट विच इज आम क्लियर, जो भी हम उसमें मशीन में फीड कर रहे हैं डेटा, दैट इज़ द इनपुट. आउटपुट जो हमें एज अ रिजल्ट मिल रहा है फ्रॉम दिस एंड पॉइंट, दिस इज द आउटपुट. स्टेट्स एट प्रेजेंट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो मशीन जिस स्टेट में है, दैट विल बी द स्टेट. द नेक्स्ट इज स्टेट रिलेशन. स्टेट रिलेशन मतलब कौन सा इनपुट कौन से स्टेट में देने से वॉट विल बी द नेक्स्ट स्टेट, दिस इज वॉट द स्टेट रिलेशन. एंड इट इज समवॉट सिमिलर टू द आउटपुट रिलेशन. Depending upon the state and input, the output will also be decided. So the next state depends upon the input and the state, but output might depend only on the input, only on the state, or on the combination of state and input. So friends, that's all about today's topic. If you like the video, then please subscribe our channel, like our channel, or you can comment. Thank you.